टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज, जिनमें आपको पता चलेगा कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का सूट स्टीव रोजर के कौन कौन से सूट्स को मिलाकर बनाया गया है। इस शो में दिखाई गई मैड्रीपुर सिटी रियल में कहां पर एग्जिस्ट करती है और इस सीरीज में सैम एंड बगे के बीच में जो लव हेट रिलेशन दिखाया गया है वो कौन सी दो मूवी पर बेस्ड है। एंड बैरन जीमो एंड सैरन कार्टर जैसे करेक्टर का कम बैक इसी सीरीज में क्यों किया गया, और इसके साथ ही बहुत से कमाल के द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जुड़े फैक्ट्स आपको इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। हेलो गर्ल किक योर एस। फैक्ट नंबर 10, इस सीरीज में सैम एंड बकी के रिलेशन को कैसा दिखाना है, उसकी इंस्पिरेशन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के सीन से ली गई थी, जहां पर स्पाइडरमैन इन दोनों को अपने स्पाइडर वेब में बसा लेता है। एंड इन दोनों करेक्टर्स के बीच ड्रामेटिक एंड फनी टोन को रखने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेलकम स्पेलमैन इन दो मूवी से इंस्पायर्ड हुए थे, जिनमें से फर्स्ट द डेफिएंट वन मूवी है जो 1958 में आई थी। ये एक ड्रामा पड़ी मूवी है और इन दोनों के बीच में फनी टोन को रखने के लिए राइड अलोंग जैसी मूवी से इंस्पिरेशन ली गई थी। फैक्ट नंबर 9, वेट रसल ने बताया था कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और यह उनका सबसे पहला ऑडिशन था। उस टाइम तो कैप्टन अमेरिका का रोल क्रिस इवांस को मिल गया था, बट इस सीरीज में वेट रसल को कैप्टन अमेरिका के सेकंड वर्जन का रोल करने को जरूर मिला, बट वो भी थोड़ी देर के लिए। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। फैक्ट नंबर 8, इस शो की अर्ली स्टोरीज में बैरन जीमो का कहीं भी नाम नहीं था, बट जैसे इस शो की स्टोरी आगे बढ़ी तो बैरन जीमो का एडिशन भी वो नेसेसरी हो गया था। एंड एक्टर डैनियल ब्रुहल भी फिर से रोल करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो भी इस बात से डिसपॉइंटेड थे कि उन्हें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में बैरन जीमो को कॉमिक एक्यूरेट मास्क पहनने को नहीं मिला था, बट इस सीरीज में बैरन जीमो को उसकी फुल कॉस्ट्यूम में अपीयरेंस हुआ, वो भी इस कैरेक्टर के फेमस पर्पल मास्क के साथ। जीमो की कॉस्ट्यूम को इस सीरीज में एक मॉडर्न कॉस्ट्यूम में बदल दिया गया है विद ए ब्लैक ट्रेंच कोट, बट इस सीरीज में जो ट्रेंच कोट हमें दिखाया गया है उस पर व्हाइट फर है और उसके कॉलर पर ब्लैक पोल्का डॉट्स हैं, जो कि बैरन जीमो की ओरिजिनल कॉमिक कॉस्ट्यूम में भी हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 7, इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में ब्लैक स्मैशर्स सैम बकी जॉन वॉकर एंड लिमार के बीच फाइट होती है, जहां पर ये सब दो चलते ट्रक्स के ऊपर फाइट करते हैं। इस सीन को शूट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो इस सीन में हमें जो ट्रक्स टायर्स वायर्स एंड माउंटेंस दिखाए गए हैं वो सब विजुअल इफेक्ट से किया गया था। इस सीन में कुछ भी रियल नहीं था और कई बार तो एक्टर्स को भी VFX से क्रिएट किया गया था। फैक्ट नंबर 6, एरिन कैलीमन ने इस सीरीज में कार्ली मॉर्गन का रोल प्ले किया है, जो कि कॉमिक बुक करेक्टर कार्ल मॉर्गन का फीमेल वर्जन है, जिसे फ्लैग स्मैशर भी कहते हैं। एक सुपर विलन होता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है, और कॉमिक्स में ये एक एंटी नेशनलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, जिसका नाम अल्टीमेटम और पूरा नाम द अंडरग्राउंड लिबरेटेड टोटली इंटीग्रेटेड मोबाइल आर्मी टू यूनाइट मैनकाइंड होता है। फैक्ट नंबर 5, मार्वल एग्जीक्यूटिव्स सैरन कार्टर के करेक्टर को किसी न किसी तरीके से इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में हिलाना चाहते थे, बट सैरन का स्टीव रोजर के साथ लव कनेक्शन होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि अगर सैरन कार्टर का फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से पहले रिटर्न हो जाता तो शायद हमें इस करेक्टर का ये विलन पावर ब्रोकर वाला रूप देखने को नहीं मिलता। और इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद सैरन कार्टर अब मैड्रीपुर सिटी में एक हाई रैंक पर है और वो पावर ब्रोकर का काम कर रही है। एंड इस सीरीज के एंड में हमें टीज भी दिया गया है कि फ्यूचर में इस करेक्टर को लेकर अब कुछ बड़ा सोचा गया है। फैक्ट नंबर 4, इस सीरीज में सैम विल्सन की फैल्कन यूनिफॉर्म रेड एंड व्हाइट होती है, जो कि इसकी प्रीवियस यूनिफॉर्म से अपोजिट है, जो कि रेड एंड ब्लैक हुआ करती थी। इसे फैल्कन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहनता आ रहा होता है, और ये रेड एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम फैल्कन की कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम से सिमिलर भी है। फैक्ट नंबर 3, जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका का जो कॉस्ट्यूम है वो US एजेंट के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम का एक वर्जन होता है, जिसमें रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर को चेंज कर दिया गया है, और साथ ही जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका का हेलमेट स्टीव रोजर के हेलमेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में वॉकर US एजेंट का जो कॉस्ट्यूम पहनता है वो कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम से बिल्कुल सिमिलर है, बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम ब्लू है एंड US एजेंट के कॉस्ट्यूम में ब्लू की जगह ब्लैक कलर है। फैक्ट नंबर 2, इस शो में हमें जो मैड्रीपुर सिटी दिखाई गई है ये कॉमिक्स में एक फिक्शनल आइलैंड है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड कॉमिक्स में इसकी फर्स्ट अपीयरेंस
न्यू म्यूटेंट के वॉल्यूम नंबर 32 में हुई थी और मैड्रिपुर को ज्यादातर एक्समैन कॉमिक्स में ही दिखाया गया है। एंड प्रोडक्शन डिजाइनर रेमन चैन ने बताया था कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि मैड्रिपुर के सीन्स को कहां पर शूट किया जाए और फिर बाद में एटलांटा के पास एक छोटे से टाउन में मैड्रिपुर के सीन्स को शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 1, सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का जो सूट है वो वकांडियंस की तरफ से गिफ्ट होता है, जो कि कैप्टन अमेरिका के कई सूट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इस सूट का कलर स्टीव रोजर्स के वर्ल्ड वॉर टू वाले सूट से लिया गया है, जो वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में पहनता है। और इस सूट में जो स्ट्राइप्स हैं वो भी स्टीव के सूट की तरह हैं, जो उसने द अवेंजर्स मूवी में पहना हुआ था। एंड इस सूट के सेंटर में जो स्टार्स एंड स्ट्राइप्स बनाए गए हैं वो भी स्टीव के सूट से लिए गए हैं, जो उसने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में पहना हुआ था। एंड सैम के कैप्टन अमेरिका वाला सूट उसके कॉमिक बुक वाले कैप्टन अमेरिका के सूट से बिल्कुल मिलता जुलता बनाया गया है। और जैसा कि सीरीज में हमें दिखाया गया है कि सैम के नए विंग्स एक हेलीकॉप्टर को उसके रास्ते से हटा सकते हैं या फिर मोड़ भी सकते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि शुरू ने इस सूट को वाइब्रेनियम से ही बनाया होगा। तो ये थे द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से जुड़े टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको बढ़िया लगा मुझे निजी कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको अपने किसी फेवरेट मूवी और टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।